तो देखिए आपके सामने एक सवाल है 2024 सेट नंबर 347 जीए का। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसी सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित करेंगे आप सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व को? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखी हुई है, किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले सुचालक का प्रतिरोध उस सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, ज़रा देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि R अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई L के, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, और R व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसे आप दूसरे शब्दों में कहते हैं मोटाई। अब मोटाई का मतलब ये नहीं है कि व्यास उसका, ज़रा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बेलनाकार तार है, तो ये तार आपने कितना मोटा लिया, ये इसका जो एरिया है, ये पूरा एरिया एक सर्कल बन रहा है ना, ये जो एरिया है यही कहलाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद, और ये जो इसकी लंबाई है वो कहलाती है इसकी लंबाई यल। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब जब दोनों को हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। जैसे ही हम इसे हटाते हैं हमको मिलता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ पर रो एक स्थिरांक है, इसको रो बोलते हैं, रो याद रखिएगा। ऐसे बनाते हैं इसको इस तरह से, रो एक स्थिरांक है जिसे हम उस सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, उसे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसकी परिभाषा कैसे निकलती है। इसमें आप L बराबर रख दीजिए एक और A बराबर रख दीजिए एक, तो देखिए L और A हो जाएंगे ख़त्म और बचेगा R बराबर रो। तो यहीं से आपकी परिभाषा बनाई गई, एक को कहा गया एकांक लंबाई और A को कहा गया एकांक क्षेत्रफल। तो देखिएगा एकांक लंबाई L और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अर्थात ये जो आपको मोटाई दिख रही थी तार की, वाले सुचालक का प्रतिरोध उस सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा लिख के और अगर ये आप फार्मूला लिख के सवाल छोड़ देते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, बाकी चीज़ें आपको लिखनी ही नहीं है, और आप चाहिए तो इन चीज़ों को समझा भी सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं चालकत्व की परिभाषा। चालकत्व विद्युत अवघट्यों के द्वारा धारा के प्रवाह में दी गई सहायता को विलयन का चालकत्व कहते हैं, अर्थात आयनों को चलने में जो चीज़ सहायता प्रदान करती है उसे हम चालकत्व कहते हैं। यह प्रतिरोध का उल्टा होता है, इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का उल्टा होने के कारण हम फॉर्मूला लिखते हैं जी बराबर 1/R। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।